अभी आज स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर में कैसे जाया जाता है। जब हम दोस्तों सूक्ष्म शरीर में जाते हैं, हमारी हीलिंग करने की शक्ति बढ़ती है, हमारी संकल्प प्राप्ति की शक्ति बढ़ती है, हमारी परमात्मा के साथ, ब्रह्मांड के साथ, यूनिवर्स के साथ निकटता बढ़ती है, और ये प्रैक्टिस से बहुत जल्दी होता है। तो आपको आज छोटा सा इसका फर्स्ट स्टेप बताएंगे, पर जिस इसके करने से पहले ध्यान में जो आज विधि बता रहा हूं बताऊंगा आपको आगे जाके। खाना कम से कम 2 घंटे पहले खाना चाहिए, उसके बाद करें। सेकंड, परिवार में, घर में आप बोल के रखें इसमें आप गहरी समाधि में जा सकते हो, आप चले जाएं तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। पहले दिन नहीं जाओगे, और जैसे जाएं तो आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, तभी ही आपकी प्राप्ति हो पाएगी। तीसरी बात, सुबह का वक्त इसके लिए सबसे बेस्ट है, सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक का, सुबह 4 से लेके 6 बजे तक का। और अगर आप अपने गुरुदेव के चरणों में बैठे हैं, आप अपने गुरु महाराज जी के साथ हो, तो फिर आप किसी भी टाइम कर सकते हो, फिर नो प्रॉब्लम, फिर कोई बात नहीं है। और कोशिश करनी है कि इस ध्यान में जाने से पहले आप घर में दिया जरूर जलाएं, घी का कैंडल्स जलाएं, फ्लावर्स रखें, अगरबत्ती कर लें, और उस वातावरण को अच्छा कर लें। पहले हम अपने परिचन क्रिया करेंगे, अपने आप को क्लीन करेंगे क्लीम काली का इनमय मंत्र से। वर्जी थोड़ा बता दो आप। Guruji welcomes everyone to our Sunday morning meditation class. Guruji explains that God sends us all for a purpose, and when we fulfill that purpose, we reach moksha. And sadhana or meditation connects us to that energy and to our purpose. Meditation catches our thoughts and strengthens them, and it increases our ability to have positive thoughts, but it's very important that we also focus on that. The key message of spirituality of our ancestors, of our spiritual ancestors, is to live in the present. When we consciously do whatever we are doing, we are fully able to enjoy in the moment. And then every moment of our day is basically spent in meditation day and night. Today, Guruji is going to teach us something new. And the purpose of this practice is to go into our suksham body. This increases our healing power, it increases our abilities to fulfill our sankalps, and it increases our ability to connect with the cosmic energies of the universe, with our Isht Devta. A few notes on this: you should eat at least 2 hours before practicing this. Tell family members to not disturb you while you do this, because you may go deep into meditation and you should not be disturbed in that moment. Morning time is best to practice this, from 4 a.m. to 8 a.m. But if you are doing this with your guru, any time is good. Light a ghee diya, light candles, light flowers, light agarbatti, before you do this, when you practice this at home every day. First, we will do Vrijin Kriya now, and then Guruji will teach us this practice. Klim Kalikaye Namaha. 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 क्लीम कालिकाए नमः। 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 कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। कालिकाए नमः। क्लीम 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 कालिकाए नमः। कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः। क्लीम कालिकाए नमः।
इस मंत्र को कम से कम 5 से 7 मिनट तक करना चाहिए और इससे आपके 7 चक्र क्लीन होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, आपकी रिसीव करने की शक्ति बढ़ती है। ध्यान में आंख बंद रखना और प्रेजेंट में रहने की कोशिश करना, जो कर रहे हो उसी पे पूरा ध्यान देना तो आप कहीं ना कहीं पहुंच पाओगे। हमारे 7 प्रकार का शरीर है, सात ही हमारे चक्र हैं, 7 ही कलर हैं, 7 ही ऋषि हैं। मीन हमें मूलाधार चक्र को मजबूत करना है। मूलाधार चक्र हमारी बॉडी को बहुत शक्ति देगा। मूलाधार चक्र हमारे स्थूल शरीर को भी शक्ति देता है, हमारे सूक्ष्म शरीर को भी शक्ति देता है। 2nd चक्र स्वादिष्ठान चक्र, जे जीवन में इसको अच्छी तरह से साधा जाए, कहते हैं काम से राम तक पहुंच जाते हैं। अगर इस चक्र में दिक्कत आ जाए तो आपका पतन हो जाता है। पर विल पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तंत्र शक्ति को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस चक्र से शक्तिशाली चक्र दूसरा नहीं है। जैसे आप, आपको कहा कि आज हम स्थूल शरीर की क्रियाएं तो सभी करते हैं, योगा स्थूल शरीर से करते हैं, एक्सरसाइज स्थूल शरीर से करते हैं, मंत्र जाप भी स्थूल शरीर से करते हैं, पर ये हमारे सूक्ष्म शरीर को कामयाब करता है, स्ट्रॉन्ग बनाता है। सूक्ष्म एनर्जी है दोस्तों, भगवान की शक्ति भी एक एनर्जी है। तो उस एनर्जी को जब आप इकट्ठा कर लेते हो उससे एक बहुत विशेष प्रकार की ओरा बनती है और वो ओरा हमारे शरीर के इर्द गिर्द हमें घेर लेती है। कभी कभी नेगेटिव को रोकने के लिए हम टेम्परेली ओरा बनाते हैं। आपको कहता हूँ आप अपने शरीर के आसपास में ओरा बनाओ, आप अपनी ओरा को क्लीन करो। तो आज हम स्थूल शरीर से सूक्ष्म की ओर जाने की कोशिश करेंगे। इसको घर में आप जहाँ सीख लेना और प्रैक्टिस आप बैठ के करना। जैसे ये हाथ लेना, हाथ को चारों उंगलियों को अंगूठे के साथ ऐसे इकट्ठा रखना ओम ओम ध्वनि करना। आप मेरे साथ देखेंगे फिर बर्जदीप आपको एक बार फिर एक्सप्लेन कर देगी। ओम नाभि से ऐसे रखेंगे टच करके, ओम 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 ओम
अभी धीरे धीरे हाथ को ऊपर ले जाएंगे ऐसे करके धीरे 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 ऐसे खोल देंगे ऐसे फिर निकाल देंगे. ओम ओम ओम. इसको क्रिया को 5 मिनट तक करना है. एक बार बरसदीप एक्सप्लेन करती हैं आपको. So as Guruji just showed, this is the new technique that he's teaching us today. You sit with your back straight like we do in meditation. This is to connect with our sukshma body. You take your right hand and connect your thumb, your four fingers with your thumb, like I'm showing on the screen right now. You touch your hand to your nabhi chakra, to your belly button chakra, and you chant Om, just like Guruji was earlier. And then as you have finished chanting Om, sing Om. Om karte karte le jana. Om. You lift your hand up and you open your palm up as you reach over your head. Ek baar hold the palm. So you can watch Guruji on screen now. Haath ko dheere dheere khulna. Slowly open your hand. So you take your right hand. Close your four fingers around your thumb. दूसरी कोशिश करना कि हमारे जो सभी चक्र है दोस्तों, जैसे ये आज्ञा चक्र है, ये कंठ चक्र है, हार्ट चक्र है, नाभि चक्र है, तो नाभि के ठीक सेंटर में ही लेके जाना. आप अपने सर के ऊपर एक कान से लेके क्रॉस करें और एक सीधा आज्ञा चक्र से क्रॉस करें, जहां सीधी लाइन बनती हो. जैसे जैसे सीधी लाइन डालेंगे वैसे वैसे हमारे चक्र हैं. तो हमें नाभि चक्र से चक्र को ढूंढ सीधे रीढ़ की हड्डी को सीधा करना. ओम सो टेक योर हैंड स्ट्रेट अप इन द सेंटर ऑफ योर बॉडी. जैसे इसको 5 मिनट तक आप करेंगे, 5 मिनट आप पूरे हो गए, 5 मिनट हो, 6 मिनट हो, 7 मिनट हो, 4 मिनट से ज्यादा करना चाहिए. इससे आपके नाभि चक्र का संबंध लिंक सूक्ष्म जगत से होने लगता है और ओम ओम ध्वनि करते करते आपने जैसे ओम ध्वनि की, फिर थोड़ी सी स्लोली जैसे आपके मन में ओम करेंगे, now once you've done this for 5 minutes by saying Om loudly, next you do the same process by saying Om inside your mind. What this does is it connects your nabhi chakra to your sukshma body. Aapka sukshma se लिंक होने लगा, अब ब्रह्मांड के साथ जुड़ने लगे, आप अपने इष्ट देवता की शक्ति के साथ जुड़ने लगे, आप परमात्मा की शक्ति के साथ जुड़ने लगे. एक बात ध्यान रखना, उस ईश्वर की शक्ति का, परमात्मा की शक्ति का कोई भी स्वरूप नहीं है. आप उसकी शक्ति को, विशाल को, विराट को किसी एक जगह में बांध नहीं सकते हो. दूसरे शब्दों में उसके सब स्वरूप हैं. आप जहां भी देखोगे आपको वो नजर आ जाएगा. आपको फूलों में भी नजर आ जाएगा, आपको कांटों में भी नजर आ जाएगा, आपको पौधों में भी नजर आ जाएगा, आपको बच्चों में भी नजर आ जाएगा, आपको मूर्ति में भी नजर आ जाएगा. है आपके अंदर ही. और जैसे जैसे आप सूक्ष्म की ओर बढ़ोगे,
आपका अपने अंतर से भी लिंक होने लगेगा, आप शक्तियों का समुंदर हो, और जैसे जैसे आप शक्ति से लिंक करोगे आपका होएगा, तो आप एक दूसरा ही मजा प्राप्त करोगे, आप एक दूसरा ही, आप दूसरी ही स्थिति में आओगे। आपकी यात्रा सूक्ष्म से स्थूल से सूक्ष्म की ओर शुरू हो गई, आप सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर चुके हैं, आप ब्रह्मांड के साथ अपना संपर्क स्थापित कर चुके हैं, आप ब्रह्मांड के साथ हो, आप यूनिवर्स की शक्तियों के साथ हो, आप ऐसे समुद्र में हो जहां पे ऊर्जा ही ऊर्जा है, एनर्जी एनर्जी है। अभी आप अपने राइट हैंड को अपनी आंख के ऊपर रखोगे, ओम। Now you are placing your right hand over your eye, your right eye. ऐसे कुछ क्षणों के लिए रखोगे आप। For a few moments. आंख नहीं खोलेंगे, भगवान की शक्तियों के साथ रहेंगे, फिर सेकंड टाइम रखेंगे, ओम। अगेन ओम। ऐसे अभी अपने हाथ को अपने घुटनों पर, अपनी गोदी में, अपने हाथ के ऊपर हाथ ऐसे रख लें। Now you may rest your hands, place them on your lap, on your knees. अभी आप, आपका जो राइट हैंड है, एक तो दिखता है, दूसरा राइट हैंड जो सूक्ष्म है उसको आदेश करेंगे कि मैं अपने सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म बॉडी को, अपने राइट हैंड को आंख के ऊपर रख रहा हूं। आपके सूक्ष्म शरीर का राइट हैंड आपकी राइट आंख के ऊपर है। कुछ देर ध्यान करेंगे, हाथ को आंख के ऊपर रखेंगे, स्लोली स्लोली नीचे आएंगे, Now, while keeping our physical hands resting, what Guruji is walking us through right now is that we send a message to our Sukshma right hand that it is repeating the same process that we were doing with our physical hand. So our Sukshma right hand is being placed over our right eye. It's not our physical right hand. This is part of our Sukshma body. अगेन अपने सूक्ष्म हाथ को अपनी आंख के ऊपर रखेंगे धीरे धीरे,
फिर हाथ को नीचे लाएंगे सूक्ष्म हाथ को ऐसे, फिर स्लोली स्लोली सूक्ष्म हाथ को आदेश देंगे अपनी राइट आंख के ऊपर, इसी तरह से लेफ्ट हैंड को आप, आपका सूक्ष्म लेफ्ट हैंड आपकी आंख के ऊपर है। Guruji has been guiding us same process with our sukshum left hand. We are sending a message to it to be placed over our left eye. Then it rests again. And then our sukshum left hand again rises to be placed on our left eye. We repeat the process. धीरे धीरे आप दोनों सूक्ष्म हाथ अपनी आंख के ऊपर फील करेंगे, and then now we will feel both of our sukshum hands over each eye. So right sukshum hand is placed on the right eye, left sukshum hand is placed over the left eye. आप दूसरी स्टेट में पहुंच गए हैं सूक्ष्म जगत में, आपकी प्रवेश की सूचना सूक्ष्म शरीर ने रिसीव की, आप सूक्ष्म जगत के साथ हैं और सूक्ष्म रूप से ही आप शक्ति क्रिया मुद्रा करेंगे। आप महसूस करेंगे सूक्ष्म हाथों से शक्ति क्रिया मुद्रा कर रहे हैं। Now we are doing the Shakti Kriya Mudra with our Sukshum hands. Feel this process, stay in this moment. सूक्ष्म रूप से सूक्ष्म क्रिया को कैंसिल करेंगे पर आप अपनी आंख नहीं खोलेंगे, आप सूक्ष्म जगत में ही रहेंगे, आप अपने इष्ट देवता के साथ रहेंगे, सूक्ष्म शरीर के साथ रहेंगे। Now we are resting our sukshum hands, keeping our eyes closed, staying with the sukshum body, staying with our isht devta.
वैसे जब एकांत में आप बैठे, आप इसमें जब तक बैठ सकते हो बैठने की कोशिश करना, आपको बैठ कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, गलत शब्द बोल गया, आप बैठ ही जाएंगे, आपका वापस आने को मन नहीं करेगा, अभी वापस आना है, धीरे धीरे वापस आइए। मैं स्थूल शरीर में आ रहा हूँ, मुझे स्थूल शरीर में जाना है, वापस आए इसी बॉडी में, ओ stool or in our physical body. Guruji explains that when we practice it at home, allow ourselves enough time so that we are able to take our time with this process. But for now, we need to slowly come back to our physical body. इस ध्यान के लिए बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, और कुछ चीजें आपको चाहिए इसमें, आपके गुरुदेव होने चाहिए, किसी भी गुरु से आपने दीक्षा ली है, उन गुरु का स्मरण करना, आपके एक इष्ट होने चाहिए, आप एक इष्ट को मानना, आपका गोल आपका संकल्प बहुत स्पष्ट होना चाहिए, आपको अच्छी गाड़ी चाहिए तो चाहिए, ये पाप नहीं है, अच्छा हस्बैंड अच्छी वाइफ अच्छा बेटा अच्छी बेटी चाहिए तो चाहिए, पाप नहीं है, धन कमाना धन का सुख लेना पाप नहीं है, ऐसी चीजों को मन से निकालना, शक्ति क्रिया ध्यान विधि आपको आपके पूर्ण दुनियावी सुखों से पूर्ण कराती है, मोक्ष की ओर ले जाती है, परमात्मा की ओर ले जाती है, सूक्ष्म ध्यान से वापस आना कठिन है, पर इसका आनंद लें आप, जो मैं ऑन स्क्रीन सिखा सकता हूं आपको सब पब्लिकली वो बताया, कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो नहीं बताई जा सकती, आप प्रैक्टिस करेंगे, आप जब पूछेंगे तो फिर बताई जाएंगी, नहीं तो ऐसे ही लगेगा कि साइकोलॉजिकली हो गया, क्योंकि बहुत से लोग सुनते हैं करते नहीं हैं, ये करने की क्रिया है, चलने की क्रिया है, अगर किसी सफर का किसी पार्क का किसी नदी का आनंद लेना है तो उसको तैरना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, पार्क का भी लेना है, किसी अच्छी प्लेस में जाना है तो उसको भी देखना पड़ेगा, तो जर्नी आपको करनी पड़ेगी। अभी आप अपने इष्ट का ध्यान करें, मन में हसा काला हरीम का जाप करें, क्योंकि अभी ऊंचे जाप कराएंगे तो फिर उस स्थिति में आना मुश्किल होगा, मैं मंत्र बोलूंगा, आप सुनने की सिर्फ कोशिश करना धीरे धीरे। Now we will focus on our Isht Devta and listen to the Hasa Kala Harim mantra. Guruji, you chant it, we will just listen. Hasa Kala Harim, 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 Hasa Kala Harim,
Asakalahani, Asakalahani. Asakalahani. Asakala Hari. आपने सूक्ष्म शरीर का, सूक्ष्म वर्ल्ड का, स्पिरिचुअल वर्ल्ड का आनंद लिया, उसको महसूस किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज्यादा किया, आपने सूक्ष्म जगत के सरोवर में डुबकी लगाई, ऐसे ही आप अपने इष्ट देव का ध्यान करेंगे। इष्ट देवता यही हैं, उनके चरणों में जाएंगे, उनको अच्छे अच्छे फूल अर्पण करेंगे, अच्छे अच्छे अलंकार चढ़ाएंगे, अच्छे अच्छे वस्त्र देंगे, अच्छे फ्रूट, अच्छा खाना, अच्छी स्वीट्स भगवान को अर्पण करेंगे, जो आप इमेजिन कर सकते हैं। भगवान के आगे फूलों से श्रृंगार कर दिया, वस्त्र अर्पण कर दिए, अच्छे अलंकार दे दिए, अच्छे फूलों से उनका श्रृंगार कर दिया, अच्छे इत्र, अच्छे परफ्यूम उनको अर्पण कर दिए, अच्छी ज्वेलरी दे दी, भगवान आपके इष्ट खाने का भोग लगा रहे हैं। आप अभी अपने मन की बात कहें उनको, जो चाहिए आप मांगे अपने गुरु महाराज जी से, माता जी से, शंकर भगवान से, साईं बाबा जी से, जिनको मानते हैं आप, जिनका भी ध्यान करते हैं। Continue to connect with your Ishtadevta and share what is on your mind with them, what you want. जो भी आपका संकल्प था पूरा हो गया, माता जी ने आपके ऊपर कृपा कर दी, आपके इष्ट ने वो सब कुछ दे दिया जो चाहिए था आपको,
आप एंजॉय करें जैसे आपको कहा था कि आपको प्रेजेंट में रहना है। आप अपने संकल्प को प्रेजेंट में ही एंजॉय करना कि मुझे मिल गया सब कुछ, परमात्मा ने दे दिया, मेरा गोल पूरा हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप इसको महसूस करें पूरी तरह कल्पना करके कि आपके ऊपर कृपा हो गई। You are enjoying your sankalp in the present moment right now. मन में थैंक्स करें अपने माताजी का, अपने पिताजी का, जिन्होंने आपको ये शरीर दिया, उस परमात्मा का, भगवान का, श्री गुरु महाराज जी का। जिन सिद्ध महापुरुषों ने जो विद्या दी, जिन गुरुओं ने जो विद्या प्रदान की, उन्होंने अपनी साधना से, भक्ति से पाया, इसको हमें दिया। अभी मयूर पंख मुद्रा करेंगे। While offering gratitude, now let's do the Mayur Pankh Mudra. कैंसिल करा दो बेटा। स्लोली टेक योर हैंड्स बैक। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरः, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपसे इजाजत लेता हूँ। आपके भीतर बैठी हुई माँ की शक्ति को, परमात्मा की शक्ति को प्रणाम करता हूँ। आपके संकल्प पूरे हों, आपके गोल पूरे हों, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ें, आपका जन्म सफल हो। जय माता दी। प्रणाम।